ये कहते हैं कि बट मैं आपको है ना इतने लेवल पे क्रीम कर दूंगा ना कि आपके पास में है ना सेक्शन वाइज कोई भी फॉल्ट आया, चार्जिंग, ऑडियो, टच, आप उसको बना ही लोगे। आपको मैं इतने सोल्यूशन दूंगा, डायरेक्ट सोल्यूशन इतने दूंगा, मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग इतनी अच्छे से समझाऊंगा, स्कीमेटिक हो गया। हाँ मेरे YouTube की फैमिली, कैसे आप सभी लोग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। 3000 सब्सक्राइबर दूर हैं 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। वाओ, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए बनने वाले हैं उनको भी इसके लिए, क्योंकि 3000 बचे हुए हैं तो मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ, फ्री सोल्यूशन आपके लिए, आईफोन रिपेयरिंग का। आपको पैनिक रिपोर्ट तो पता होगी, जो लोग करते होंगे उनको पता होगी, और जिनको पता होगा वो वीडियो अभी बंद कर दो मेरे भाई। ये वीडियो बालकों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो बेचारे नए हैं और जो सीखना चाहते हैं, जो पता करना चाहते हैं, जो सीखना सीखने की जो कहीं भी कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं, और ये वीडियो केवल उनके लिए। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आईफोन में ना एक प्रॉब्लम हमेशा आती है रीस्टार्टिंग की। तो रीस्टार्ट होता है फ़ोन हमारा, मतलब जैसे सपोज़ मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जैसे ये फ़ोन है, सपोज़ ये फ़ोन मेरा चल रहा है और ये अभी ये चलते चलते रीस्टार्ट हो जाए 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद। तो सबसे पहले ना, अगर मैं आपसे बात करूँ, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट जाओ या हमारे इंस्टीट्यूट आओ, तो एक कोर्स में कंटेंट होता है और उसको हाइड करके चलते हैं दुनिया, नहीं तो ऐसे भी तो वीडियो बहुत सारे डले होते। तो आपको है ना ये बताया जाता है कि स्टेप टू स्टेप, ऑलरेडी ये स्टेप टू स्टेप है, पर मैं डायरेक्ट स्टेप टू स्टेप नहीं बताऊँगा क्योंकि ये क्लास का ज्ञान नहीं है, ये फ्री सोल्यूशन है तो फ्री में ही दिया जा रहा है। बट एक हाइड एक सोल्यूशन है जो कि दुनिया नहीं देगी, पर हम आपको देंगे। अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट कर रहा है और आपका कस्टमर का फ़ोन, और आप सोच रहे हो कि यार क्या करूँ, तो आप उसकी चेक करो पैनिक रिपोर्ट। पैनिक रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में कि अगर आपको पैनिक रिपोर्ट चेक करनी है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम पर, मैं बताता हूँ कि पैनिक रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। और पैनिक रिपोर्ट क्या होता है, जब आईफोन रीस्टार्ट करता है ना तो उसका सीपीयू स्मार्ट है, तो उसका सीपीयू एक रिपोर्ट जनरेट करता है, पैनिक रिपोर्ट, और उसमें ना बहुत सी कोडिंग नज़र आती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये कोडिंग ना लोगों को समझ में नहीं आती है, और यही समझाने के लिए इंस्टीट्यूट आपको बुला लेता है। ऑब्वियस हम भी बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको आईफोन रिपेयरिंग सीखनी है टॉप क्लास की, आपको लगता है कि यार एकदम जीरो से हीरो बनना है, और बिल्कुल कि सर कोई भी फ़ोन आए ना तो बना लें, कम से कम मैं ये नहीं बोलूँगा 10 का 10 बना लें, पर इतना है क्योंकि फ्रेशर होंगे आप, ऑब्वियस है 10 के आप कम से कम 8 तो बना ही लेंगे दोस्तों। सो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, 2 क्यों नहीं बना पाएंगे, अगर आप फ्रेशर है तो सीपीयू के कारण ही बना पाएंगे, और अगर आप सब कुछ जानते तो मेरे भाई वो तो स्वैपिंग से भी बन जाएंगे। तो अगर आप पैनिक रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर आपको पैनिक रिपोर्ट पढ़ना सीखना है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनिक रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है। आईफोन में पैनिक रिपोर्ट बन जाती है, और आप कभी किसी इंस्टीट्यूट में अगर जाओ तो आपको इस तरह के कुछ वहाँ पे पैनिक रिपोर्ट जो सोल्यूशन दे देंगे। ऑनलाइन में तो आपको बहुत ही चूतिया बनाते हैं, खैर उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। तो पैनिक रिपोर्ट में ऐसा आपको बता देंगे कि भाई ये कोडिंग धूलो, और धूल के इसके आगे देखा है I2C लाइन या माइक की केबल या कोई सा भी फ्लैक्स केबल, ये निकालो तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर क्यों इतना लंबा चौड़ा बताना, जब एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में है तो क्यों ना उसको आज आपके सामने बताया जाए, उसको आज रिवील किया जाए। तो कैसे रिवील करें, तो क्या है, तो इस वीडियो को देखने के लिए चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और दिखाता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पैनिक, जिसको कहते हैं पैनिक रिपोर्ट एनालाइज़र। तो पैनिक रिपोर्ट एनालाइज़र आपको चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट मत जाना मेरे भाई, पहले देख लो कैसे काम करता है, हर एक ऑप्शन उसका समझ लो, क्योंकि बच्चों का गेम नहीं है, सीख लो, सीखने के बाद बालक तो बन ही जाओगे। और पैसे पहले भी कहा था, ये वीडियो बालकों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए जो सीखना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त आइए चलिए देखते हैं कि पैनिक रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। अभी मेरे हाथ में कोई फ़ोन नहीं है, हालांकि हमने इतने फ़ोन बना के दिए हैं इस बार भी, अपने आईफोन बहुत सारे अपने स्टूडेंट को बना के दिए, क्योंकि जो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सीखने आते हैं, और हम दोस्तों बिल्कुल भी इस मार्केट में ये गेम नहीं खेलते हैं कि हार्डवेयर भी सीखने आओ तो आईफोन फ्री में डाल देंगे, कोई चाट समोसा नहीं है कि लेके ये डाल दिया वो डाल दिया। स्टूडेंट का दिमाग कचौड़ी नहीं होता है, चाट समोसे की दुकान नहीं होती है, बेसिकली उसको स्टेप टू स्टेप गाइडेंस ही मिलना है सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नया आदमी कभी नहीं जान सकता है। क्या ठीक है, नया मतलब जो नए नए टीचर्स होते हैं उनको तो लगता है सब कुछ दे दो, पर ऐसा होता नहीं है, वो बेचारे कुछ नहीं ले पाते हैं। फिर वही है कि एक इंस्टीट्यूट के बाद दूसरा इंस्टीट्यूट, तीसरा इंस्टीट्यूट, भटकते रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसमें। और दोस्तों मैं सच बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट आज एक के बाद दूसरा क्यों भटक रहे हैं, रीज़न उनके दूसरे भी है, क्योंकि वो भी वो मास्टर बनना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में बैठ गया है कि अगर मैं चार चार इंस्टीट्यूट जाऊँगा तो चार मास्टरों का ज्ञान एक साथ ले लूँगा, पर बेचारे वो बालक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं एक ही चीज़, एक ही अलग अलग कंसेप्ट
से पढ़ा रहे हो उसमें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, उल्टा वो अपने ज्ञान को और मैं बताऊं कि जैसा होता ना कि दही को जैसे दाल चावल को रायता डाल दिया और अचार डाल दिया तो वो फैल जाता है, वो कहता ना कि रायता डाल देना, वैसे ही वो अपने ज्ञान के ऊपर रायता डाल देते हैं और सही बताया वो इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ना उधर के होते ना उधर के होते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे घाट वाट का नहीं रहना है और आपको सही नॉलेज लेना तो मेरे भाई एक जगह से लो, प्रॉपर लो, आप मास्टर बनोगे, पर थोड़ा समय दो अपने आपको, क्वालिटी अपने आप में इम्प्रूव करो और अपनी स्किल, ये दोनों चीज़ें एक मास्टर में होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट ये आप देख रहे होंगे, इस तरह की पैनिक रिपोर्ट बनती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरह की पैनिक रिपोर्ट बनती है। और ये पैनिक रिपोर्ट कैसे बनती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पैनिक रिपोर्ट के लिए आपको क्या ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग के बाद इसमें आप प्राइवेसी पे जाइएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई मेरे। प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको जैसे प्राइवेसी वाली जो लिस्ट ओपन होगी तो उस लिस्ट में आपको एनालिटिक और इम्प्रूवमेंट पे जाना है, और उसके बाद फिर आपको सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एनालिटिक डाटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप एनालिटिक डाटा आप ओपन करेंगे तो अब आपको ये पैनिक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, मतलब उसमें आपको बहुत सारी रिपोर्ट मिलेगी। तो आप जो भी डेट और टाइमिंग के हिसाब से वो रिपोर्ट यहाँ पे ओपन कीजिएगा, और जब आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कॉन्टेंट मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप रिपोर्ट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कॉन्टेंट उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज जो भी है वो आपको समझ में नहीं आएगी। अब जैसे फॉर मसलन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र स्पेयर वॉच डॉग। अब वॉच डॉग क्या है, तो ये सारी चीज़ समझने के लिए ना तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, इस तरह के कुछ सोल्यूशंस बना दिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत क्लियर नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इस तरह के सोल्यूशन आपको दे दिए हैं कि जैसे बेसमेंट रेडियो हुआ है तो बेसमेंट का सीन है, ACMP या NMI पावर लिखा है तो फ्रंट कैमरा केबल का सीन है, तो इस तरह से कुछ सोल्यूशन दे दिए हैं। पर यार सही बताएं तो स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, कभी समझ नहीं पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना एक सेटअप डाउनलोड करना है। ये देखिए ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ना, तो स्टूडेंट टेंशन मत लेना, मैं इसकी लिंक है ना नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और आप इसको जैसे ओपन करेंगे ना तो आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इसके लिए है ना क्या करना, अपना एंटीवायरस बंद कर देना, तो ये आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसको कहते हैं पैनिक एनालाइजर, सो आई डिवाइस पैनिक एनालाइजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको है ना अपना फ़ोन जब आपका रीस्टार्ट हो रहा हो, मतलब बंद फ़ोन में नहीं लगाना है, एटलीस्ट चालू फ़ोन में। तो जैसे आपको लगे कि आपका फ़ोन चालू हो रहा है, आपको सिर्फ उसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट जैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए कनेक्ट हो गया है, अब इसने मेरे फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर वो बता रहा है iPhone 12 Pro और सीरियल नंबर फलाना दिखाना, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आई होप। हाँ चलिए आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर मेरा मॉडल नंबर दिखा रहा है, कोई ड्राइवर कुछ नहीं है इसमें, जो नॉर्मल ड्राइवर ही काम करते हैं जैसे TrueTool और iTunes के। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा iPhone 12 Pro, तो आपको क्या करना है, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी कोई रीस्टार्टिंग इशू नहीं है तो इसलिए कोई भी ये लॉग नहीं बनाएगा, पर कोई भी फ़ोन जो रीस्टार्ट करेगा ना वो लॉग बनाता है, तो मैं रीड लॉग पर टिक करूँगा तो इस तरीके से ये रीड करेगा। तो अभी तो ये मैसेज डाल दिया इसने नो पैनिक रिपोर्ट, पर क्या होगा कि जब आप अपना पैनिक रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, देखिए जैसे आपका हो गया, ये आपने सॉफ्टवेयर है, मैं इसकी लिंक नीचे दे दूंगा, आपके पास ना ऐसी पैनिक रिपोर्ट खुल जाएगी इस तरीके से। तो आपने करना क्या है कि आपको है ना सिर्फ एक पैनिक रिपोर्ट पे क्लिक करनी है। तो जब आप पैनिक रिपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, ये देखिए पहले तो आपको इस तरह का होगा, आपको आपका मॉडल नंबर बताएगा, फिर उसके बाद में मॉडल नंबर बताने के बाद आपको इस तरह के पैनिक रिपोर्ट आपको बता देगा, देखिए यहाँ पर जैसे तीन खुली हुई है। उसके बाद फिर आपको ना सेलेक्ट करना है, जैसे आप पहली सेलेक्ट करोगे ना सबसे ऊपर जो आप देना टाइम देखना सबसे जो लेटेस्ट टाइम क्या है, तो उसमें आपको ना इस तरह की पैनिक रिपोर्ट आपकी खुल जाएगी, जो कि आप अपने सिस्टम में मोबाइल सिस्टम में देखते होंगे। तो जब उसके नीचे ओवरव्यू के नीचे ना इसका प्रॉब्लम का इशू आपको लिखा होगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट फ्लैक्स, मतलब या तो आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम है जो डॉक कनेक्टर बोलते हैं, या तो पावर बटन फ्लैक्स केवल यूजली आफ्टर बैक ग्लास लेजर, या तो उसकी वजह से है, और ये प्रॉब्लम जैसे बता रहा है बैक ग्लास लेजर की वजह से यूजली ये फॉल्ट जा सकता है, और या तो बैटरी SWI स्विचिंग लाइन की वजह से, जो कि हमारी एंड्रॉयड में BSI कहते हैं वैसे ही आईफोन में इसको SWI कहते हैं। तो यहाँ पर इन तीन की वजह से ये फॉल्ट जा सकता है, तो ये तीन आप चेक कर सकते हैं, और यही तीन चीज़ वो कोडिंग में हम देखते थे। तो कितना आसान है पैनिक एनालाइजर, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेना यार। तो चलो बैक करते हैं,
तो कैसा लगा ये आपको बताइएगा जरूर। इस पे आपको दिया हुआ फ्री सोल्यूशन पैनिक एनालाइजर, इसको डाउनलोड कर लो, इसको यूज़ करो। दोस्तों अगर पूरा मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है आईफोन का, आपको लगता है आईफोन की टच कैसे काम करते हैं, आईफोन का यूट्यूब कैसे काम करता है, चार्जिंग कैसे काम करता है, डिस्प्ले कैसे काम करता है, पूरा आपको सीखना है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके, कंपोनेंट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, और किस तरह से ZXW चलाएं, वूजिंग चलाएं। और अब मैं तो ये यूज़ ही नहीं करता हूं, मैं सच बताऊं। और फ्री के जो वो चलाते हैं ना बोर्ड फ़ोन, वो तो मुझे अखंड लगते हैं, खैर। बट मैं क्या बताऊं, मैं जो यूज़ करता हूं दोस्तों, वो एक बहुत ही अल्टीमेट टूल यूज़ करता हूं, एक पेड टूल है। जब आप आएंगे तो मैं उसका रिव्यू बदूँगा, हालांकि मैं उसका वीडियो भी डालने वाला हूँ। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, उसका वीडियो शायद हो सकता है नेक्स्ट मिल जाए। तो मैं JCID यूज़ करता हूँ, बहुत बेस्ट टूल है, और वो स्कीमेटिक और आपके टूल एक साथ चलाता है, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं वो यूज़ करता हूँ और वही सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, स्टेप टू स्टेप कैसे डायग्नोस करना है। दोस्तों मैं ना किसी आईफोन पे आने पर उसको स्वैपिंग करना, मैं उसको मैं समझता हूँ कि स्वैपिंग वही करते हैं जिनको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती है, और स्वैपिंग भी एक लेवल था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईफोन 7 एक मेरे पास अभी लेटेस्ट ही आया था, मेरे एक स्टूडेंट का जो मेरे से एंड्रॉयड सीखने आया था, और वो मेरे से आईफोन भी सीखने आने वाला है, क्योंकि मैंने उसके आईफोन बनाया ऑलरेडी, वो समझ गया है कि हाँ यार मुझे ये सिखा सकते हैं, एंड्रॉयड भी उन्होंने सिखाया है। तो उनका मैंने क्या किया, वो बेसिकली उसके फ़ोन में डेड था, तो पहले हमने सॉर्टिंग निकाल दी, ठीक है। वो बहुत घूम के आ रहा दिल्ली से कहीं किसी बाजार से घूम के आ रहा था, तो सॉर्टिंग निकाल दी, अब चालू हो गया। अब उसमें बैटरी ड्रेन का इशू आया, तो उसका मैंने पावर IC का वीडियो डाला था, आई होप कि आपने देखा हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया उसका। तो उसके बाद फिर मैंने उनको दिया, तो चार्जिंग उनका बंद हो गया, फिर वो कह रहे हैं बैक कैमरा नहीं चल रहा। तो ऐसे मामले में जहाँ बहुत सारे इशूज आ रहे हैं, फिर हर एक को तो मना पाना क्योंकि टाइम नहीं रहता, तो ऐसे टाइम पे आप बूट स्वैपिंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप अगर फ्रेशर है तो आप बूट स्वैपिंग वैपिंग ये भूल जाइए। आप ये सोचिए कि फॉल्ट फाइंडिंग आप कर सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, और अगर आप ये कर सकते हैं और आपको लगे कि यार ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ़ीस बहुत कम है, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि मार्केट में सबसे कम है। तो दोस्तों अगर हमारी फ़ीस पता करनी है और आपको हमारे साथ कोर्स अटेंड करना है और एक साल का अच्छा बैकअप लेना है और आईफोन में लाइव बोर्ड में काम करना है, दोस्तों मैं यहाँ पर आईफोन में आपको ना डेड बोर्ड नहीं दूंगा, लाइव बोर्ड दूंगा काम करने के लिए। बट बोर्ड की क्या है, बोर्ड आपको कौन देगा, या मैं दूंगा या आप देंगे, तो सारी चीज़ें कॉलिंग पर आप डिस्कस कर लेना। तो दोस्तों अब रही बात हमारे कोर्स की, तो उसका कंटेंट में आपको कॉलिंग पे ही पता चलेगा, हम आप बूट देते हैं या नहीं देते हैं, हमारी फ़ीस कम है या ज़्यादा है। बहुत कम ही फ़ीस हमने इसके लिए रखी हुई है, और आईफोन का कोर्स जो भी है पूरा ऑल ओवर मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। ये कहते हैं कि बट मैं आपको है ना इतने लेवल पर क्रीम कर दूंगा ना कि आपके पास में है ना सेक्शन वाइज कोई भी फॉल्ट आया, चार्जिंग, ऑडियो, टच, आप उसको बना ही लोगे। आपको मैं इतने सोल्यूशन दूंगा, डायरेक्ट सोल्यूशन इतने दूंगा, मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग इतनी अच्छे से समझाऊंगा, स्कीमेटिक हो गया, इतने डिटेलिंग दूंगा ना कि मेरे भाई टीचर बन जाओगे, और बहुतों को बनाया ऐसा नहीं है। तो भाई अगर ज्वाइन करना है तो हमारे दिए नीचे दिए नंबर पर कॉल कर लेना और ज्वाइन कर लेना आईफोन ट्रेनिंग, जो कि पढ़ाएंगे देवेंद्र अग्रवाल आपसे। थैंक यू वेरी मच। जाइए और एसर टेलीकॉम लिख दीजिए खाली, और उसमें मेन पेज हमारा है, उस पर जाइए तो आपको डेली के हमारी रनिंग क्लासेस आपको आउटपुट मिलेगा, और बहुत कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ छोटे छोटे वीडियो डालते हैं उसमें, और ट्रिक एंड जो भी चीज़ें हम डाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉलिंग कीजिए अभी और अपनी सीट बुक कराइए, ये चांस आपसे छूट ना जाए। थैंक यू वेरी मच। गुजरात से, वेरी गुड, आ रहा हूँ, बताइए कहाँ से आप? यूपी से, वेरी गुड, डीसी टू डीसी सर्किट, कहाँ से आप? गुजरात से, उज्जैन से, उज्जैन से, सर अपनी जगह का नाम बता दीजिए, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और किसने, बताइए कहाँ से आप? नेपाल से, कॉपी तो नहीं किया ना किसी ने? कहाँ से आप? महाराष्ट्र मुंबई से, दिखाओ, आसाम से, महाराष्ट्र, झारखंड, झारखंड से, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से, नेपाल से, देखिए डीसी टू डीसी सर्किट, नेपाल से, कहाँ से आप? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पुणे, दिखाइए, झारखंड, वेरी गुड, गुजरात से, राहुल बिहार से, देखिए डीसी टू डीसी बिहार, आसाम, कहाँ से? कर्नाटक से, वेरी गुड, एक कर्नाटक लैंग्वेज में बताओ आपका रिव्यू दो लाइन में, टेलीकॉम ज्वाइन करने का ये सही रहा? आपको क्लास एक बार और फिर से दिखाता हूँ,
आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों हमने आईफोन स्टार्ट किया है, आईफोन ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं दूंगा आपको आईफोन की ट्रेनिंग और जो रहेगी बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे। हालांकि बेसिक टू एडवांस एक कहने की बात है, बट ये जीरो टू हीरो है। इस ट्रेनिंग में हमने अलाउ किए हैं फ्रेशर स्टूडेंट, बट एटलीस्ट आपको मोबाइल खोलना आए और आपको पता हो कनेक्टर खुद, बैटरी बदलना, इतना एटलीस्ट छोटा मोटा काम करना अगर जिन टेक्नीशियन को आता है, तो वो आप हमारा आईफोन का कोर्स